मई महीने से मणिपुर में जो मई में मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहाँ पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं कभी केरला में निकाल लेते हैं ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे आप भी तंग आए होंगे भाई कितने बार इतनी सूरत देखना फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं जहां लोग मर रहे हैं जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं क्यों क्या वो देश का हिस्सा नहीं है आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते आप पूरी सत्ता आपके पास है आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता यही उनकी बात है मैं तो नहीं पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को उन्होंने ही कहा मैं नहीं कहा तो जब एक मोदी ही बस है सबको तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है क्यों ऐसा हो रहा है देश का हिस्सा है वो और कितने दिन ऐसा ही?